थक गया मैं आज तो। हाँ रिदा, खाने में क्या बनाया आज? हद होती है जैजी, एक तो इतना लेट घर आयो और आते के साथ ही खाने में क्या है? बीवी बच्चे का कोई ख्याल है तुम्हें कि नहीं? अरे सॉरी, आज ऑफिस में बहुत काम था। काम काम और काम, ऑफिस में ही रह जाते ना, घर आने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया, आज इतने गुस्से में क्यों हो तुम? जैसी 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, तुम आज तक मुझे कहाँ घुमाने लेकर गए हो? हैं? लास्ट वीकेंड हम गए तो थे वो नया रेस्टोरेंट में जो फैंसी से खुला है, वो भूल गई तुम? मैं बाहर जाने की बात कर रही हूँ, यानी आउट ऑफ कंट्री। रिदा, साल के स्टार्ट में मैंने लीव्स ले ली थी जब मैं टर्की गया था जमील को ढूंढने। अब ऑफिस मुझे लीव नहीं देगा भाई, क्या हो गया? खुद तो घूम आए ना टर्की तुम। ओ भाई, मैं घूमने नहीं गया था, मैं तुम्हारा जेवर ढूंढने गया था जो तुम्हारे कजिन से मिला। जो भी है, घूमने तो चले गए ना तुम टर्की अकेले। मेरी दोस्तों को देखो, उनके हस्बैंड रोज उन्हें कहीं ना कहीं घुमाने लेके जा रहे होते हैं। सारा याद है तुम्हें? सारा 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 कौन सारा? वो यूनिवर्सिटी वाली सारा। अरे हाँ, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। हाँ, तुम्हें अपनी बीवी के अलावा तो सारी लड़कियां याद है ना। खैर, सारा का हस्बैंड ना उसे पिछले ही महीने टर्की घुमा कर लेकर आया, और अब अगले हफ्ते ये लोग कहाँ जा रहे हैं पता है तुम्हें? कहाँ? लालू खेत। वेरी फनी, मालदीव जा रहे हैं ये लोग। तुम्हें सब चीजें पता कहाँ चलती हैं? इंस्टाग्राम यूज करना आता है मुझे, मैं फॉलो कर रही हूँ उसको। अरे तो उनकी अभी शादी हुई है, वो तो घूमेंगे ना, एक साल बाद देखना क्या हाल होगा उनका। रहने दो जैसी, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। खाने में दाल चावल पका है, खा लेना तुम। अरे रिदा, अरे ऐसे गुस्से होके चली गई। अरे हाँ, 2 दिन पहले हम लोग पार्क भी तो गए थे, वो भूल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, घर आ गई तुम? हाँ यार, अभी आई हूँ घर, बहुत हेक्टिक हो रहा है यार मेरे लिए 9 to 5 जॉब, छोड़ दूंगी कुछ अरसे में मैं। हाँ, अगर तुम्हें इतना परेशानी हो रही है तो मेरे अंदाजन छोड़ दो तुम ये जॉब, क्योंकि तुम परेशान होती हो तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। बस ये कुछ अरसा निकल जाए फिर देखती हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मैंने एक बहुत जरूरी बात के लिए फोन किया है तुम्हें। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बस एक खुशखबरी है। तुम फिर से मामू या चाचू बनने वाले हो? मैं मामू या चाचू नहीं बनना इस मर्तबा, इस दफा तो मैं दुल्हा बनूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समी, तुम मुझे छोड़ रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं। और उन सब वादों का क्या जो तुमने मुझसे किए थे? अरे सुनो तो, बात तो पूरी सुनती नहीं हो, ऐसे ही शोर मचाना शुरू कर देती हो। मेरे अम्मी अबू आ रहे हैं इस्लामाबाद से। अच्छा तो मिलवाओगे अम्मा अब्बा से? अरे इस मर्तबा सिर्फ मिलवाऊंगा नहीं, बात भी पक्की करूंगा। मैं अम्मी अब्बू को लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वाकई में? मतलब हमारी शादी होगी? हाँ, बस तैयारियां शुरू कर दो। हाँ यार, मैंने सब प्लान करके रखा है, कहाँ से जोड़ा बनाना है, कहाँ से मेकअप कराऊंगी, और मैं अपनी सारी दोस्तों का भी बताती हूँ। बस तुम तैयारियां शुरू कर दो, दुआ करो कि पेरेंट्स जब मिले तो सब कुछ खैरियत से हो जाए। हाँ यार, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। चलो बस अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि अम्मी अब्बू बस पहुँचने वाले होंगे, तो फिर बाद में बात होती है। ठीक है, चलो सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यार रिदा, अब तक नाराज होगी क्या? कॉल करूं या नहीं? कॉल करना ही पड़ेगा, मेरी बीवी है, मनाना तो मुझे ही पड़ेगा। चलो कर लेता हूँ कॉल। हाँ बोलो। हाँ कैसी हो? क्या काम है जैजी? नहीं नहीं कोई काम नहीं है, ऐसे ही फोन किया था मैंने। अच्छा अभी मैं ईसा का खाना बना रही हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे हाँ हाँ, खाने से याद आया, रात के खाने में क्या है? मेरा सर। मेरा सर? ये कौन सी डिश है भाई? हेलो रिदा, हेलो। काट दिया, अभी तक नाराज है। समी क्या हुआ, तेरे अम्मा अब्बा आ गए? हाँ आ गए दोनों, उनको डायरेक्ट घर उतारा और बस डायरेक्ट आया हूँ। अच्छा ये बताओ, वो शादी का क्या सीन है, कब शादी कर रहा है? यार यही बताना था कि अम्मा अब्बा आ गए ना, तो अब अम्मा अब्बा को लेके फातिमा के घर जा रहा हूँ। कल एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग रखी है, तो बस कल ही इंशाल्लाह दुआ करो कि बात बात पक्की हो जाए, तो बस। यार वैसे अगर मेरी मानना तो शादी नहीं कर, अभी तेरी उम्र ही क्या है यार, और फिर जिम्मेदारी इतनी सारी आ जाती है। अबे भाई तेरी शादी नहीं हो रही तो मेरा क्यों पत्ता काट रहे, बस दुआ कर कल बात पक्की हो जाए, तो झट मंगनी पट ब्याह। इसका मतलब है तुम दोनों ही शादीशुदा हो जाओगे? एक तो इसको ही देख ले, शादी के बाद नजर ही नहीं आता है, तू भी नजर नहीं आएगा, मैं अकेला यहाँ बैठा हुआ। अबे तो सारी जिंदगी दोस्तों में थोड़ी बैठे रहना है, शादी बीवी बच्चे करियर और भी काम है जिंदगी में, क्यों जैसी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा जैसी तेरा क्यों इतना मुंह चढ़ा हुआ है? अबे कल से रिदा नाराज है मुझसे। ये देख यही तेरे साथ होगा शादी के बाद, हर दूसरे दिन फटे। अबे तू चुप कर, कोई बात नहीं जैसी यार, हो जाता है, मैं और फातिमा को देख ले हर वक्त लड़ते रहते हैं, और शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। कम से कम ये तो सुकून है कि अपनी जानने वाली चाहने वाली बंदी से शादी हो रही है। एटलीस्ट ये तो है ना।
अच्छा ये जैजी ये एनवलप किस चीज का रखा हुआ तूने इतनी देर से? अरे ये तो दुबई की टिकट्स हैं, मैं रिदा और ईसा दुबई जा रहे हैं। तू दुबई जा रहा है? हाँ ना यार, पिछले हफ्ते से रिदा बहुत स्ट्रेस आउट है, घर का काम, फिर ईसा, ऊपर से मैं भी नहीं होता, तो मैंने सोचा छोटा सा फैमिली गेटअवे कर लेता हूँ, सबका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। वैसे तू कब जा रहा है और वापस कब आएगा? मैं कल रात को निकल रहा हूँ और अगले हफ्ते तक वापस आ जाऊँगा। अगले हफ्ते? यार अगले हफ्ते हो सकता है मेरा निकाह हो। अरे तो उससे पहले वापस आ जाऊंगा ना यार। देख ले, अगर वापस नहीं आया ना फिर दोस्ती वोस्ती सब खत्म। एक तो तू इतना इमोशनल ब्लैकमेल करता है, मैं कह तो रहा हूँ ना मैं आ जाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। यार मैं अब निकलता हूँ, इससे पहले कि अम्मा अब्बा सो जाएं, उनको जाके सारी बातें समझानी है और फिर फातिमा को भी बताना है, ठीक है? चाय के पैसे देख लेना। बहुत टेंशन में आजकल ये। अरे भैया अजाब है। ओहो लगता है ठुक गई। चलो कोई बात नहीं, सॉरी यार। यार अंधे बंदे हो क्या? इतने बड़े चश्मे लगाए फिर भी नजर नहीं आ रहा है। यार कह रहा हूँ कोई बात नहीं, गलती हो गई। ओ भाई छोटी मोटी बात नहीं है, देखो इतना बड़ा डेंट लग गया है। तमीज से बात करो, हो जाता है कभी रोड पर गाड़ी लेके निकलते हैं, छोटी मोटी टक्कर हो जाती है। अबे तमीज के चक्कर में गाड़ी लग गई है भाई, डेंट पड़ गया, देखो। यार ये अबे तबे क्यों कर रहे हो? बोलना हो जाता है, गलती हो गई, सॉरी। बैठो जाओ। ओ भाई हो तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से पैसे निकाल जल्दी से। चल मैं पैसे दे भी देता लेकिन अब तुम्हारी स्टोन की वजह से ना, अब तो तुम पैसे निकलवा लो। चलो अबे ओ चाचा बात सुनो, ये जो तुमने ना तोड़े इसके पैसे निकालो जल्दी। तमीज से बात करो यार, ये कौन है? अरे छोड़ो, अरे बैठो यार पागल हो गया क्या? यार मैं देख के रिवर्स कर रहा था, आगे पीछे सब जगह चाचा स्पीड में आगे घुस गए। समी वो उम्र में तुमसे बड़े थे तो थोड़ा रिस्पेक्ट यार। यार मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, चाचा कहने लगे आजकल के लौंडे हो ये वो, हट गई मेरी। और वैसे भी तेरा ये वाला जो डेंट है ये पुराना है? पुराना नहीं है, मैंने सही करा लिया था, अभी मारा है चाचा ने। अच्छा छोड़ो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अभी घर जाओ। चलो इसका गुस्सा एक दिन इसको मरवाएगा। रिदा, रिदा नाश्ते का पूछना है ना, अंडा पराठा बनाया मैंने। अरे नाश्ते को छोड़ो, ये देखो लिफाफे में क्या है। क्या? दुबई की टिकट्स। वाकई दुबई? हाँ हाँ, आज रात फ्राइडे, खोल के तो देखो। तुम सीरियस हो? हाँ ना, यकीन क्यों नहीं आ रहा, खोल के तो देखो। अरे थैंक यू जैजी, एंड आई एम सो सॉरी, मैं पिछले दो दिन से काफी रूड बिहेव कर रही थी ना। अरे कोई नहीं, होता है होता है। एंड एक और एक्साइटिंग न्यूज, समी का निकाह होने वाला है। वाकई? कब है? आई थिंक नेक्स्ट वीक। ओह इतनी जल्दी, तब तक हम वापस आ जाएंगे? हाँ आ तो जाएंगे, बट आते ही साथ ही समी की शादी में मसरूफ हो जाएंगे, तो पूरा महीना बिजी रहेगा। हाँ सही कह रहे हो, मुझे वापस आके शॉपिंग भी करनी होगी। अरे हाँ हाँ शॉपिंग हो जाएगी, फिलहाल तुम दुबई की तैयारी करो, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं, सही है? ओके हम दुबई जा रहे हैं। मुझे शाम में आएंगे फातिमा के घर वाले, तुम लोग नहीं जाने वाले थे उसके पास? चेंज ऑफ प्लान्स, अब वो आ रहे हैं हमारे घर। तेरी तो लव मैरिज है ना, और दोनों साइड से भी डन है, तो फिर किस चीज की टेंशन? लव मैरिज है तभी तो टेंशन है, अरेंज होती तो मुझे क्या फर्क पड़ता। और तू अपना टाइम भूल गया, जब तेरा रिश्ता पक्का होने वाला था तो 3 दिन तक तू बीमार पड़ा रहा था स्ट्रेस की वजह से। हाँ हाँ मान लिया मैंने स्ट्रेस लिया था, बट एंड में रिश्ता भी हो गया और शादी भी हो गई, अब लाइफ सेट है, तो फिर किस चीज की टेंशन ले रहे हो तुम? कह तो तू ठीक ही रहा है, बट शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। और हाँ निकाह से पहले वापस आ जाना दुबई से, कोई बंड नहीं मार देना। अरे हाँ मेरे बाप, मैं आ जाऊंगा, पहले बात तो पक्की हो जाए, पतला निकाह ही नहीं हो रहा।
कर दी ना मनहूस बात। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो अल्लाह हाफिज। बकवास बंद कर, अल्लाह हाफिज। बहुत टेंशन लेता है ये बंदा। हेलो। हाँ हाँ बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। रिदा जल्दी करो, गाड़ी आ चुकी है, रास्ते में ट्रैफिक होगा, इमिग्रेशन लाइन पे भी रश होगा, जल्दी करो, टाइम नहीं है, हम लेट हो चुके हैं। क्या हो गया जैजी, तैयार भी ना हूं क्या? अरे एयरपोर्ट पे तैयार हो जाना, अभी चलो फिलहाल। कहाँ रह गए यार ये लोग, 5 बजे का बोला था, 5:45 हो रहे हैं। लगता है आ गए।